हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छी होंगे। देखिए बेटा, हम लेसन 23 मानव का श्वसन तंत्र पढ़ रहे थे और इसमें हमने श्वसन संबंधी रोगों का क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। कल हमने कुछ श्वसन संबंधी रोग थे उनके बारे में अध्ययन किया था। नेक्स्ट हमारे जो कुछ रोग है उनके बारे में आज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर हम जिस रोग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं वो है न्यूमोनिया। अब देखिए बेटा, न्यूमोनिया क्या है? जो न्यूमोनिया रोग है ये एक जीवाणु है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। क्या नाम है इसका? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इस जीवाणु के संक्रमण के कारण ये रोग होता है। जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु है ये फेफड़ों के अंदर जाकर तो उसमें क्या कर देता है, संक्रमण कर देता है, जिसके फलस्वरूप जो वायु कूपिकाएं होती है, अब जो कोशिकाएं थी उनको ये क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। WBC को क्या कर देता है, ये डैमेज कर देता है। तो जो वायु कूपिकाएं हैं उनके अंदर मृत कोशिकाओं अर्थात WBC की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और वृद्धि हो जाने के कारण इनके जो वायु अवकाश थे उनमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और साथ साथ जब इनकी जो भित्ति है उसके अंदर क्या आने लग जाएगा, सूजन आने लग जाएगा। और जब भित्ति के अंदर सूजन आएगा तो सुलेष्मा का सिक्रेशन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जो वायु कूपिकाएं थी उनका जो वायु अवकाश था उसके अंदर मृत कोशिकाएं और तरल है वो क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। और जब तरल भर जाएंगे तो वहां पर जितनी ऑक्सीजन आनी चाहिए थी उतनी ऑक्सीजन आ नहीं पाती है। तो इस कारण से व्यक्ति को श्वास लेने में क्या होने लग जाती है, कठिनाई होने लग जाती है। तो मुख्यतः ये जो रोग है ये किसके अंदर होता है, बच्चों और वृद्धों में। तो वंस अगेन एक बार देखते हैं कि न्यूमोनिया जो रोग है वो किसके कारण हो रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु के संक्रमण के द्वारा। इस जीवाणु के संक्रमण के फलस्वरूप वायु कूपिकाएं मृत कोशिकाओं WBC तथा सुलेष्मा से भर जाती है जिससे फेफड़ों में सूजन आ जाती है। अब जब सुलेष्मा से और मृत कोशिकाओं से जब वायु कूपिकाएं भर गई, वायु अवकाश कम हो गए, ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता व्यक्ति की कम हो गई, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को श्वास लेने में क्या होने लग जाएगी, कठिनाई होने लग जाती है। ये जो रोग है ये अधिकतर किसमें हो रहा है, बच्चों और वृद्धों में। उपचार के लिए हमको किसका प्रयोग करना है, ब्रोंकोडायलेटर का, और किसका प्रयोग करते हैं, एंटीबायोटिक औषधियों का। तो यहाँ हमने जिस रोग के बारे में अध्ययन किया है वो कौन सा रोग था, न्यूमोनिया। नेक्स्ट रोग आता है फेफड़ों का कैंसर। अब देखिए बेटा, जो फेफड़ों का कैंसर है ये होता है धूम्रपान के कारण। आपने कई बार देखा होगा तंबाकू वगैरह के जो पाउच होते हैं उनके ऊपर भी मुंह का जो कैंसर होता है वो दिया हुआ होता है। तो जो फेफड़ों का कैंसर है वो किसके कारण हो रहा है, धूम्रपान के कारण। जब व्यक्ति धूम्रपान करता है तो इनपे अंदर क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। और जब ये रासायनिक पदार्थ हमारी श्वास नली के द्वारा जब श्वसनी के अंदर जाते हैं तो उनकी उपकला कोशिकाओं को क्या कर देते हैं, उत्तेजित कर देते हैं। उपकला कोशिकाओं को क्या कर देंगे, उत्तेजित। और जब उपकला कोशिकाओं जब उत्तेजित हो जाएंगी तो वहां जो कोशिकाएं थी उनके अंदर बहुत ज्यादा अनियंत्रित कोशिका विभाजन क्या होने लग जाएगा, प्रारंभ होने लग जाएगा। और अनियंत्रित कोशिका विभाजन होगा, कोशिकाएं बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में ये कोशिकाएं गांठ के रूप में क्या हो जाती है, व्यवस्थित हो जाती है। और गांठ के रूप में व्यवस्थित होना ही क्या कहलाता है, फेफड़ों का कैंसर। तो ये जो रोग है वो किसके कारण हो रहा था, धूम्रपान के कारण। सिगरेट के धुएं में उपस्थित रसायनों के कारण, श्वसनियों की उपकला में उत्तेजना के कारण इनमें अनियंत्रित कोशिका विभाजन प्रारंभ हो जाता है जिससे धीरे धीरे पूरे फेफड़े में गांठों का निर्माण हो जाता है। और इस तरीके का जब अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, फेफड़ों का कैंसर। नेक्स्ट रोग है सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस। अब देखिए बेटा, सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस ये जो रोग है ये मुख्यतः होता है सिलिका और एस्बेस्टोस के कारण। जो व्यक्ति सिलिका की खानों में या एस्बेस्टोसिस की खानों के अंदर काम करते हैं उनमें ये रोग होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। और सिलिका जब श्वास के जरिए जब फेफड़ों के अंदर जाती है तो ये वहां पर फेफड़ों में जाकर के उसके ऊपर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। और फेफड़ों पर जमा होकर के वहां पर तंतुमय उपकला स्तर का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं फाइब्रोसिस, यानी कि तंतुनुमा आवरण का क्या कर लेगी, निर्माण कर लेगी। तो वहां पर फाइब्रोसिस कर देती है और साथ साथ ऐसी स्थिति में फेफड़ों के अंदर क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है। या फेफड़ों में सूजन आ जाएगा तो फेफड़ों से क्या होगी, जो सुलेष्मा है वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में सिक्रेशन होगी और साथ साथ धीरे धीरे वायु कूपिकाएं क्या होने लग जाती है, नष्ट होने लग जाती है। तो इस तरीके से जो सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस रोग है वो किसके कारण हो रहा है, सिलिका या एस्बेस्टोस के कारण। तो देखिए यहाँ पे
यह रोग वायु प्रदूषण के कारण होता है। ऐसे श्रमिक जो सिलिका एवं एस्बेस्टोसिस की खानों में काम करते हैं उनमें यह रोग होने की संभावना अधिक होती है। श्वास के साथ ये पदार्थ फेफड़ों में जाकर फाइब्रोसिस व सूजन पैदा कर देते हैं जिससे धीरे धीरे वायु कोशिकाएं नष्ट होने लग जाती है। अब वायु कोशिकाएं नष्ट होने लग जाएगी तो जो श्वसन की जो क्षेत्रफल था वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सांस लेने में क्या होने लग जाएगी, कठिनाई होने लग जाएगी। तो इस तरीके से आज हमारा जो ये लेसन था मानव का श्वसन तंत्र वो यहाँ पर क्या हो जाता है, आज फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले लेसन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे।